discussed three questions of exercise 6.1. So now in this lecture we are going to discuss three more questions, 4, 5, and 6. Please pay attention. कैसे करने हैं क्वेश्चन. ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन, सो इट इज गिवन लाइक दिस. इसको कैसे करोगे, ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें. क्यू आर एस यहां पर है, क्यू आर एस यहां पे हम लोगों को ये एंगल लेना है. अब इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को एक हिंट भी दे रखा है बुक में, यू कैन ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू पी क्यू और एस टी पासिंग थ्रू द पॉइंट आर. अगर ये इस तरीके से जाएगा, ये मैं एक कंस्ट्रक्शन के तौर पर बोल सकता हूँ क्या, ड्रॉ पैरेलल लाइन टू पी क्यू, ड्रॉ पैरेलल लाइन टू पी क्यू, पी क्यू के पैरेलल पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. अब अगर ये दोनों पैरेलल हैं, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो मुझे देखने में सोच के बताओ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होना चाहिए. कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ दीज टू एंगल्स नियर वन, ये नहीं 180 कौन सा, ये सबका ठीक है, मैं सिर्फ इतना पूछू ये रेड वाले बोलो समझ में आ रहा है कुछ. आई एम गिविंग यू फ्यू मिनट्स, कैन यू थिंक what is the angle, what is the measure of this angle, can you tell me the measure of this angle? अब ध्यान से देखो, ये जो रेड लाइन की पैरेलल लाइन है और ये जो PQ है, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, और QR क्या है, ट्रांसवर्सल है. अगर मैं बात करूं QR is transversal of PQ and AR, ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल जा रही है, तो एंगल PQR, एंगल PQR प्लस ARQ कितना होगा 180 डिग्री. तो एंगल ARQ 180 माइनस 110 कितना होता है 70 डिग्री. मेरा आंसर क्या आ गया यहाँ पर, दिस इज माय 70 डिग्री. Similarly, can you tell me Nehal, what is the measure of this angle? What is the angle SRB? SRB का लिखता होगा, जल्दी बताओ. SRB का 180 minus 130. Very good. Similarly, ST and BR are parallel line. SR is transversal line. So 130 plus this angle is equal to 0.3 angle. So 180 minus 130. So it is 50. तो अब आपकी दो measurement आ गए. ये आ गया आपका 50 degree. ये आपका आगे 70. अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम बात करते हैं एट पॉइंट आर, अगर हम बात करते हैं एट पॉइंट आर, दिस एंगल प्लस दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है. एक पॉइंट पे तीन एंगल है, इन तीनों को सम को प्लस कर दो तो कितना आएगा 70 प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस 50 is equal to 180 degree. Angle QRS is equal to 180 minus 120. ये कितना आया मेरे पास? 60. Angle QRS. So my answer is 60. Yes. QRS वाला कितना आ गया? 60. So I think you are clear with this. क्या तुमने यही किया था? तुम्हारे भी यही आंसर आया था. So 70 plus 80 minus 120. ठीक है. You guys can
WhatsApp video and make a note of it. तुम तो लिखो. Okay, so the next question is question number 5. तो निहल आई थिंक तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया और तुम सबको याद है मेरे ख्याल से भी क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, सो नाउ लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 5. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. सो नाउ अगेन आई वुड लाइक टू ड्रॉ द फर्स्ट फिगर, टू लाइंस ए बी एंड सी डी are parallel, AB and CD are parallel. ये point P है, ये आ गया हमारा यहाँ पर, ये point Q, ये point R. ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या स्लिप दिया हुआ है ध्यान से देखो. दिस इज योर फिगर. निहल ये वाला क्वेश्चन हुआ था तुमसे, मैं बता ना करा था. ठीक है, सो व्हाट आर द डायमेंशंस गिवन. जैसे ये है तुम्हारा 50 डिग्री, ये है तुम्हारा y, ये है तुम्हारा x, ये है तुम्हारा 127 डिग्री. अब तुमको क्या निकालना है, x एंड y, x एंड y तुमको निकालना है. दिस इज माय क्वेश्चन, दिस इज माय क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड आउट x एंड y. सो कैन एनीवन टेल मी, यू स्नेहा, नेहल तो बहुत देर से बता दिया. स्नेहा कैन यू टेल मी हाउ, what should be the approach to find this x and y? x 127 ye jara. Acha, x 127 ye jara. Ye koi angle hota tha sir, mujhe itna dhyan nahi hai. Ha batao kar, 50 + y 127 degrees. x kitna hoga? 50 + y = 127. 50 + y = 127. Ye bhi kar sakte hain, very good. Usse y nikalega. X kitna hoga? 50. वेरी गुड भाई. इधर देखो, ए बी और सी डी पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे. फर्स्ट आंसर तो मेरा ऐसे ही आ गया, एंगल x इज इक्वल टू 50 डिग्री. क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सेकंड क्या है, 50 प्लस y, तो सेकंड इज 50 प्लस, ये एक ट्रांसवर्सल है. इसमें क्या था, PQ ट्रांसवर्सल थी, PQ ट्रांसवर्सल थी. इस पे क्या होना है, PR ट्रांसवर्सल है. ये ट्रांसवर्सल तो ये पूरा एंगल और ये एंगल इक्वल होगा. सिर्फ y इक्वल टू 127 ही होगा. मेनी टाइम्स चिल्ड्रन कमिट दिस मिस्टेक, या तो वो 50 इक्वल टू करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ गलती कर देंगे. y इक्वल टू 127, हमको क्या होता है कि पूरा पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल तक का एंगल लेना होगा. तो 50 प्लस y, 50 प्लस y इज इक्वल टू 127. रीजन सेम है, तो y निकल जाएगा मेरा, y कितना आ जाएगा, 127 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 7 12 से भाग दिया 77 77. सो एक आंसर हो गया मेरा 70, x हो गया मेरा 50 डिग्री, y मेरा हो गया 77 डिग्री. सो दीज आर माय आंसर्स. आ गया बात समझ में, होप करो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का, उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी. अब तक मैं 180 भी लेती हूं, क्यों लेके 180 बताओ मुझे, क्या करना है, ये ये एंगल भी इंक्लूड करना पड़ेगा, और ये एंगल मैं इंक्लूड भी नहीं कर रहा. 50 प्लस y प्लस दिस इक्वल टू 180 होगा, 50 प्लस y इक्वल टू 180 भी होगा, पूरा लेना पड़ रहा है लीनियर पैरेलल. ठीक है, सही, नोट कर लो.